जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना। सर कार्यकारिणी आई किस तरीके से देखते हैं, कैसी कार्यकारिणी? कैसी कार्यकारिणी, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। 10 महीने बाद कार्यकारिणी आई और उसमें भी क्या सबकी राय नहीं ली गई? अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना। सर ऐसा लगता है कार्यकारिणी को देखेंगे तो ऐसा लगता है देख के एक व्यक्ति को जो पास हुआ था रेजुलेशन के, एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा, यहाँ तो चार चार पद है एक एक व्यक्ति के पास, कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं और इसमें तो जिनने नाम दिए, जिनने बनाया, उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य। आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपसे भी राय शुमारी हुई थी क्या, कोई बातचीत हुई कितने लोगों को संगठन में जगह दे सकते हैं? नहीं, तो राय शुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है, और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। अब ऐसे लोगों का ही आजकल बोलबाला है, सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। सर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी कर सकते थे, अब ये तो क्यों तय किया अभी घोषित करने के लिए, तो हमें जानकारी है नहीं। सर अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराज नेता है उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, सचिव, सहसचिव, दूसरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल समिति है उसमें जगह दी जाएगी। यदि फिर से उसी तरह जैसे पहले जम्बो कमेटी बनानी हो तो बात दूसरी है, यदि इतना समय लगा तो कुछ सोच समझ के सही तरीके से होता। सवाल ये नहीं कि कितने लोग हों, सवाल ये है कि जो समय दे सके संगठन में। कोई विधायक है तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा। दो सर, चार 20 से ज्यादा विधायकों को जगह मिली है सर। भैया मैं तो कह चुका हूँ, इस बात को आप दिल्ली आला कमान को ये बात अपनी रखेंगे उनके सामने? जिस स्तर पर जहाँ रखनी होगी जरूर रखूंगा। सर ये मानते हैं आपके मौजूदा जो आपके नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश के, वो पीछे से कोई और चला रहा होगा जो आप कह रहे हैं कि ना जिनके कारण ये सब हुआ है? और मैं तो कह चुका हूँ, खुलेआम कह चुका हूँ, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।